आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कम्प्लीटली एनएसटीआई हैदराबाद के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सीएसए सीएचएम ट्रेड से स्टूडेंट रहे हैं और आपने रिसेंटली एंटर एग्जाम दिया था सीआईटीएस का और वेट कर रहे थे यहां पर काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग आगे देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली रिव्यू देने वाला हूं एनएसटीआई हैदराबाद के बारे में। और जैसा कि आप में से भी काफी सारे लोग जानते हैं कि मैंने भी जो सीआईटीएस कम्प्लीट किया हुआ है वो भी एनएसटीआई हैदराबाद से ही किया है, ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। तो मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीजें ओवरऑल वहां देखने को मिलती है, सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। हालांकि दोस्तों इसके पहले ही मैंने लाइव आकर आपके काफी सारे क्वेश्चन जो थे वो मैंने क्लियर किए हुए थे, बट मैंने सोचा क्यों ना आप में से काफी सारे लोगों के जो डाउट रहते हैं वो एनएसटीआई हैदराबाद को लेकर रहते हैं। ज्यादातर आप लोग एनएसटीआई हैदराबाद को लेकर ही चीजें पूछते हैं, तो क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए जिसमें कुछ क्वेश्चन जनरली जो आपको मिलते हैं उन पर आपको डिस्कस किया जाए। देखिए इसमें एकदम प्रोफेशनली नहीं बताने वाला हूँ कि आपको इतनी हॉस्टल मिलेगी, इतनी सीटें हैं, ये सब मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। डायरेक्टली ब्रो टू ब्रो एडवाइस यहाँ पर होने वाली है, तो डायरेक्टली कम्प्लीटली चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला जो आप सभी लोगों का क्वेश्चन है कि हम जो है एनएसटीआई हैदराबाद को सिलेक्ट करें या ना करें, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। पहली तो ये कि आप एक साल अपना इन्वेस्ट करने वाले हो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोग समझते हैं कि यार दूर है, बहुत से लोग समझते हैं पास है, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज अच्छे से समझ लीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए एक साल इन्वेस्ट करना है। एक साल के दोस्तों वो जो टाइमिंग है वो काफी लंबी है, तो आपको काफी ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। और कॉलेज वगैरह में भी दोस्तों आप सभी को 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के टाइम देना है मिस आपको, जहां पर आपकी क्लासेस लगेंगी। तो आपको जब एक साल का टाइम देना है तो क्यों ना आप सभी लोग अच्छे से एकदम ध्यान से शांत माइंड से आप अच्छे से सोचें कि भैया आपको जो एक साल है वो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ट्रेड के लेकर टोटल 7 कॉलेज हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नॉर्थ के बेकार हैं या साउथ के ही चारों बेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं, सभी कॉलेज बेस्ट हैं। बट डिपेंड करता है आपको कि आपको किस कॉलेज में स्टडी करना है, ओके। स्टडी हर एक कॉलेज में, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, हाँ 19-20 का अंतर होगा कि हाँ भैया इधर थोड़ा ज्यादा है, ऑब्वियसली थोड़ा कम है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि साउथ की बात करें तो जैसे कि हैदराबाद जो साउथ रीजन में ही आता है, तो साउथ दोस्तों शुरुआत से ही एजुकेशन के मामले में आगे रहा है, क्लियर। हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी ज्यादातर एजुकेटेड पीपल मिलते हैं वो साउथ में ही देखने को मिलते हैं, क्लियर, एक लेवल से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली दोस्तों जब साउथ में साउथ के टीचर रहेंगे, साउथ के लोग रहने वाले हैं, तो आपको एनएसटीआई में काफी अच्छा एनवायरमेंट देखने को मिलेगा और एजुकेशन एक टॉप नोच यहाँ पर होने वाली है। मैं यहाँ पर एनएसटीआई हैदराबाद का अकेला नहीं बता रहा हूँ, मैं चेन्नई का भी बता रहा हूँ, बैंगलोर का भी बता रहा हूँ, आपका कालीघाट का भी बता रहा हूँ, तो मैं सारे एनएसटीआई का यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। अब देखिए एनएसटीआई हैदराबाद की बात करें तो प्रैक्टिकल और स्किल के मामले में वहां प्रैक्टिकल काफी सारे होते हैं। जो हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर मैम है, शैलजा मैम उनका नाम है, तो अभी भी वो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, तो काफी अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स कराती हैं। इवन एनालॉग में मैडम काफी बेहतरीन चीजें और एडवांस लेवल की चीजें बताती हैं जिसमें कि, लेकिन सिलेबस के रिलेटेड ही जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं जो टॉपिक आप पढ़ते हैं थ्योरी में उसी से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। डिजिटल के भी सारे प्रैक्टिकल होते हैं, एनालॉग के भी होते हैं, जैसा कि हमारे डिजिटल और एनालॉग हमारे सिलेबस में, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन यहाँ पर लेने की नहीं है। आपको काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं अगर आप एनएसटीआई हैदराबाद जाते हो तो। दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों को लगा रहा है कि एनएसटीआई में टोटल कॉस्ट कितना आएगा, मीन्स एनएसटीआई हैदराबाद अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो एक साल का टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कॉलेज और हॉस्टल का जो कॉस्ट है टोटल 1 ईयर का वो करीब 5,000 से 6,000 बस, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, मेरा 5,000 के अंदर में मेरा हो गया था एक साल का कॉलेज और हॉस्टल का, मैक्सिमम 6,000 बस। इसके अलावा आपका एक चवन्नी नहीं यहाँ पर लगने वाला है, ना ही हॉस्टल में लगेगा ना ही आपका कॉलेज में लगेगा, सिर्फ लगेगा तो केवल एक ही चीज में, वो आपके खाने पीने में। अब देखिए खाना पीना दोस्तों अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा खाते हो, आप कितना कम खाते हो, उस पर कम्प्लीटली कॉस्ट डिपेंड करता है। तो खाने पीने का ऑन एन एवरेज अगर मानकर चले तो ऑलमोस्ट 40 से 50 हजार रुपए आपके सालाना यहाँ पर खर्च यहाँ पर होने वाले हैं। 40 से 50 हजार रुपए में आपका कम्प्लीटली सीआईटीएस कम्प्लीट हो जाएगा एनएसटीआई हैदराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों का है कि जो हॉस्टल है वो किन किन लोगों को मिलेगा, तो एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिए, एनएसटीआई हैदराबाद में जितने भी सीट्स अवेलेबल हैं, आप जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उनके रिगार्डिंग हर एक लोगों को हॉस्टल मिल जाता है।
बट ये है कि कुछ रूम अच्छे हैं, कुछ रूम मतलब थोड़े बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो ऐसा है वहां पे। बट ये कि सभी लोगों को मिल जाता है। अगर आप सभी ने जो है नहीं पता कि हॉस्टल कैसे है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था एनएसटी हैदराबाद को लेकर, आर हैदराबाद को लेकर, जहां एट्रॉन्स मार्केट ट्रेड है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा हॉस्टल देखने के लिए। और गर्ल्स हॉस्टल भी एनएसटी हैदराबाद में अवेलेबल है। काफी सारी लड़कियों ने क्वेश्चन पूछा था हॉस्टल है या नहीं, तो गर्ल्स हॉस्टल है। जो मैंने वीडियो बनाई थी तकरीबन कुछ महीने पहले जिसमें हॉस्टल दिखाया था, उसमें शुरुआत में जो हॉस्टल दिखाया था वो गर्ल्स हॉस्टल दिखाया था। तो काफी वीआईपी सुविधा यहाँ पर रहने वाले गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। और बॉयज हॉस्टल की बात करें दोस्तों, काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छे अच्छे बंगले हैं, काफी आसपास हरियाली है, एकदम अपना जब चाहे जितने चाहे आप घूम सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे है हॉस्टल नशे हैदराबाद की, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को क्लिक करके आप उसको देख लीजिए। अब हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें कि भैया हॉस्टल में क्या क्या मिलने वाला है एनएसटी हैदराबाद में, तो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भैया हमको वाईफाई भी मिल जाए, हमको टीवी भी मिल जाए, तो कुछ भी नहीं मिला। हमको एसी मिल जाए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जस्ट ओनली आपको एक बेड मिल जाएगा, पलंग जिसको बोलते हैं पलंग मिल जाएगा आपको, और एक रूम मिल जाएगा, बाकी जो नॉर्मल फैसिलिटी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। अब पढ़ने जा रहे हो भैया, एसी टीवी वाईफाई ऐसा करना है क्या? टाइम ही कहाँ मिलने वाला है इंटरनेट के लिए, टाइम कहाँ मिलने वाला हो? जो आपका मोबाइल का 2 GB का डेटा रहेगा ना, वो यूज भी नहीं कर पाओगे पूरा का पूरा। बहुत से बहुत आप 100 से 200 MB तक यूज कर पाओगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। जब आप 9 बजे से 5:30 बजे तक क्लास अटेंड करोगे, उसके बाद इतना थक जाओगे कि आपको टाइम नहीं मिलेगा चीजें देखने के लिए। तो वैसे भी हम ऐस करने जा रहे, पढ़ने जा रहे हैं, तो वाईफाई ना मिले तो चल जाएगा, टीवी ना मिले तो चल जाएगा, एसी ना मिले तो चल जाएगा ना। एकदम वीआईपी फर्स्ट क्लास फैसिलिटी तो एटलीस्ट हॉस्टल तो मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का रहा है मैस को लेकर। और मैस में ऐसा भी रहा है कि अगर मैस उसके अंदर है हॉस्टल में, तो क्या हम बाहर जा से खा सकते हैं या नहीं? तो मैस दोस्तों बता दूंगा, एनएसटी हैदराबाद में मैस अवेलेबल है। जब मैं था तब भी अवेलेबल था, आई थिंक अभी भी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं भी हो तब भी आप बाहर जाके खा सकते हैं। और अगर मैस अवेलेबल है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप बाहर जाके खा सकते हो। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स ध्यान देने वाला है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हैदराबाद में आप सभी को खाने से स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारे नॉर्थ के जैसे खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता है, खाना कम्प्लीटली अलग होता है। हालांकि अगर आप बात करें रोटी की, तो रोटियां मिल जाती हैं, बावन को चपाती बोला जाता है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट खाने से आपको एक साल सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर आपको साउथ के खाने की आदत नहीं है, तो आपको वहां की हैबिट में आना पड़ेगा। कुछ टाइम लगेगा आपको, कुछ एडजस्ट लगेगा, खाना अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आपको हैबिट में आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान से समझिएगा। साउथ में कहीं भी जाओ, खाने से आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा एक साल। हालांकि काफी जगह हमें नॉर्थ इंडियन फूड जो अवेलेबल देखने को मिल जाता है, लेकिन वो कम्प्लीटली हमारे नॉर्थ के जैसा नहीं होता, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो ये यहाँ पर एक माइनस पॉइंट बोल सकते हैं। बट कुछ नहीं यार, हम साउथ के कल्चर में जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, उधर के दर नहीं आ रहे हैं, हम जा रहे हैं ना उधर, तो हम उनके मेहमान हैं, तो थोड़ा मेहमानबाजी भी उनकी देखना चाहिए साउथ की, है ना? तो बनता है ना, आपको एक साल कुछ अलग टेस्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों का रहा है कि भैया भाषा कौन सी यहाँ पर बोली जाती है एनएसटीआई आर हैदराबाद में, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से आप लोग जाते हैं तो भाषा दोस्तों नो डाउट इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश में ही होता सारा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, अभी करंटली सिचुएशन में जितने भी वहां टीचर हैं, चाहे वो थ्योरी के हों, आपके पीओटी के हों, वो सभी नॉर्थ के हैं। अभी हरियाणा साइड के ही डिप्लॉय किए गए हैं अभी, तो सभी लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताऊं, जो बुक्स वगैरह रहेंगी वो आपकी इंग्लिश में रहेंगी। नोट्स अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने नोट्स हिंदी में लिखते हो या इंग्लिश में लिखते हो, बट बुक्स जो अगर वहां से मिलती है तो लाइब्रेरी से, तो वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक और चीज, जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर मैम है जहाँ पर जो थ्योरी पढ़ाते हैं, वो वहीं की हैं साउथ की, तो वो आपको कुछ कुछ जो चीजें हैं वो आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगी, नोट्स भी आपको इंग्लिश में ही लिखवाएंगी। तो यार इंग्लिश काफी सिंपल चीज है यार, इंग्लिश में इतना क्यों डरना? क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, इंग्लिश से भाग रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मेरे बैच में किसी की भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इवन मेरी भी काफी अच्छी नहीं थी इंग्लिश। मैं भी बैठा रहता था, इवन कुछ बट तो ऐसे होते थे मैं खुद नहीं समझ पाता था। बट ये कि धीरे धीरे आप जब करेंगे, आप उस पर एफर्ट डालेंगे, तो आप सीख जाएंगे, नो डाउट। एक साल दे रहे हो ना, तो एक साल एक लैंग्वेज सीख कर आना, बता रहा हूँ। अगर आना तो चाहिए हैदराबाद जाते हो, तो सभी लोग जितने जाएंगे बंदे,
इंग्लिश सीख कर ही आना एक साल में, ये आपका लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है, फिर कभी नहीं मिलने वाली। जो सीख लिया तो सीख लिया, फिर कभी नहीं, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, मीन्स हॉस्टल में क्या एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी होता है या नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात करें तो वहाँ कुछ आप गेम वगैरह खेल सकते हो, वॉलीबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह प्ले कर सकते हो, बॉयज हॉस्टल में, गर्ल्स का नहीं बता रहा हूँ मैं, बॉयज का बता रहा हूँ कम्प्लीटली। तो वहाँ प्ले कर सकते हो, नेट्स वगैरह है, जो बॉल वगैरह वो आप हॉस्टल वार्डन होते हैं उनसे आप ले सकते हैं। डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बस आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला मेरे भाई, अगर आप सोच रहे हो कि एकदम मैं आऊं, हाँ आधे घंटे कभी आप टाइम निकाल सकते हो डेली, बट ज्यादा टाइम वहां पर नहीं देखने को मिलने वाला। आप इतना थक जाओगे, इतना बिजी रह जाओगे कि सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि एनेस्टा हैदराबाद है कैसा। ट्रेड प्रैक्टिकल स्किल के मामले में एक नंबर, हॉस्टल के मामले में एक नंबर, आपको नो डाउट सभी को मिल जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में ऑल्सो एक नंबर, आपको सभी लोगों को हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एनएसटीआर हैदराबाद में तीन ट्रेडें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, सीएचएनएम एंड सीएसए, तीनों ट्रेड से आप लोग वहां एडमिशन ले सकते हैं अगर आप तीनों ट्रेड में से किसी एक ट्रेड से हो तो। बट फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का बता रहा हूँ क्योंकि आप में से काफी ज्यादा लोग मेरे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के जुड़े हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड आप सभी के क्वेश्चन आए होते, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी को बनाया जाए। कंक्लूजन जो निकलता है वो ये कि कॉलेज एकदम बेस्ट है, नो डाउट।